कोइंसिडेंस ब्लू और रेड नहीं पहना आज हमने, क्योंकि उस दिन पहना हुआ था तो मैंने तो फिर सोचा कि नहीं कुछ चेंज ही कर लेते हैं। सो गाइस हैप्पी वैलेंटाइन, सरशी का हैप्पी वैलेंटाइन ने बोलो सबको। रेडी तो तुम हो गए? सुने सो गाइस ये देखो पूजा, ओहो पूजा तू तो रेडी है, कैसे तुझे पता था मैं आ रही हूँ? मुझे तो ना पता, मैंने तो सूट पहन रखा सिंपल बस स्वेटर निकाल कर। ये देखो कोइंसिडेंस ब्लू और रेड नहीं पहना आज हमने, क्योंकि उस दिन पहना हुआ था तो मैंने तो फिर सोचा कि नहीं कुछ चेंज ही कर लेते हैं। पढ़ाई नहीं करेंगे ये शैतानी करेंगे, देखिए पढ़ाई का मतलब ना, कल देख लिया ना, कल को एक मिस्टेक होगी तो पूजा तुझे जान से मार देगी। जितनी मिस्टेक उतनी स्टिक, ओए होए ध्यान रखिए। ओहो अगर एक अंकी जिंदगी में मिस्टेक है ना तो उतनी स्टिक है। अच्छी हां पापा जी से तुम्हारे कैसे, पापा जी से तुम्हारे कैसा? तो पापा जी मार देंगे, पापा जी बहुत प्यार करते हैं हमें, वे नहीं मारने के कभी भी, ये बता रही हूं। के मेरे वहां के दिखवा दे तू, चल ले ये देखो ये तो लंबा हो जाएगा, पूजा से रोज लटका है कर। झूला बना रखे इन्होंने, दर्शिका चोट लग जाएगी, बच्चे कितने शैतान है, आ टूट जाएगा तार। ये देखो चुका है खाना बनाना, फिर से चले हम खाना बनाने। ये देखो लाइटें जल चुकी है हमारी, सो गाइज अभी हमने केक रेडी कर लिया है, ये रहा केक, और अभी केक कट करेंगे। और अभी पता क्या किया हम दोनों ने, ड्रेस चेंज कर लिया, पूजा ने भी ब्लू कलर का पहन लिया, दिखाऊं आपको, सेम टू सेम हो गए हम। सो अभी हम केक कट रहे हैं, किसी का भाभी जी की एनिवर्सरी का, एनिवर्सरी के नाम का दिया गया क्योंकि मेरी एनिवर्सरी थी, और एक्चुअली इनके ना मोशन लग गए तो केक आ गया था घर में। अब उस केक का क्या करते हैं हम, आप खुद सोचो क्या करते हैं। मैंने सोचा अब बच्चे तो मेरे बीमार, मेरे बच्चे भी बीमार हो गए वहां पर जाके, वहां पर क्या होता है केक नहीं काटने देते ना बाहर जाके, तो फिर यही हुआ कि इस केक को घर में काट लेते हैं। अगर बच्चों के साथ काटूंगी तो बच्चे ऑलरेडी बीमार खाएंगे देख के, तो मैं इधर आ गई इधर दर्शिका के साथ केक कट करने। और ये तो बहाना है कि वैलेंटाइन डे वगैरह करके, बट मेन ये मेरी एनिवर्सरी के नाम का केक है तो हम काट लेते हैं। चलो भाई तुम जा कटवा, नहीं मैं बनूं सचिन जी। सही बात है भैया बनी हो। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू मी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, कोई यूं कहेगा कि क्या कहेगा कि ये देखो एनिवर्सरी के पूजा कर रहा है। चलो इनकी एनिवर्सरी बन गई, ये किस्मत है मेरी, ये मेरी किस्मत है कि मुझे दो दो केक खाने के लिए मिले हैं। हैप्पी एनिवर्सरी लीजिए आप हमें से, लो तेरे से, मतलब दोनों खुश रहे, तेरे से ज्यादा कम नहीं, दोनों खुश रहे। तो बहुत अच्छा केक है और अभी हम सब खाने वाले हैं, क्रीमी क्रीमी, और दर्शिका खाएगी, वो वीडियो बना रही है। दर्शिका लो, आ जा दर्शिका, जल्दी आओ, दर्शिका इधर देख, ताई जी को खिला, ओए मुझे तो बहुत सारे खिलाएगी। दर्शिका दर्श आ जाओ, आप भी केक खाओ, देखो ताई जी खिला रही हैं। हैप्पी एनिवर्सरी तो बोल दे, लो
दस लो। चॉकलेट चाहिए तेरे को? ले दस खाना बोल। नहीं नहीं, चॉकलेट चाहिए। ये पूरा स्नेहिल है, वो झूठा नहीं खाता किसी का, ये भी नहीं खाता झूठा, इसको पता है दक्षि का हो गया है। कोई बात नहीं, हम खा लेते हैं गाइस, बहुत अच्छा रहा। और ये देखो हम खा लेते हैं एक दिन चोर। लकी हूं मैं, मुझे दो दो केक खाने के लिए मिल रहे हैं। और ये हमने सोचा नहीं था वैसे कि ऐसा भी होगा, बट ये केक मतलब काम आ गया मेरे। और फैमिली के साथ सेलिब्रेशन भी अच्छा लगता है। खा जा, तू सारा खा जाएगी, सारा खा गई। मम्मी खिलाने जा रही है केक। अरे मेरी ना एनिवर्सरी थी तो केक मैंने घर पे ले आई थी, और मॉल में काटने नहीं देते तो इस चक्कर में फिर ले आई मैंने कहा तो मम्मी यू तो फेयर ना हुआ, तुम भाभी को खिला रही, भैया रह गए। भैया को लग रहे हैं बोला तुम यू ना लाई गई, भैया का निकर धोना पड़ जा। भैया को कैसे लग रहा है, और ये इसने हिला चुका है, देखिए गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी एनिवर्सरी थी, केक हम पहले ही ले आए थे घर में, तो आपको पता है मॉल में तो ऐसे केक घर से जो ले जाते हैं काटने नहीं देते हैं, तो फिर वो केक लास्ट टाइम पर हमने फिर फ्रीज में ही मतलब रख दिया कि यहीं रख देते हैं, क्योंकि स्नेहा मानी नहीं, हम जल्दी से वहाँ पर चले गए, तो फिर दर्शिका को मैं बुला नहीं पाई, ये नाराज हो जाते और बच्चे भी बीमार हैं, तो इसी वजह से ये केक हम दर्शिका को खिलाने जा रहे हैं। अच्छा चलो जी, केक खा लिया, एनिवर्सरी मन गई फिर से एक बार। और स्नेहिल डॉक्टर के गए, उसके पापा आ गए थे नीचे से बुला रहे थे। हाँ देखो, दो बार मन गई मेरी एनिवर्सरी गाइस, तो अभी चलते हैं गाइस नीचे। ये मेरा छोटा सा जगह, ये देखो उसका छोटा सा जगह। एक्चुअली क्या हुआ था, मेरी कल एनिवर्सरी थी तो मैंने बच्चों से बोला था कि हम सब जो है ना बाहर जाएंगे, लेकिन मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो गया था तो मैं दोनों को लेकर नहीं गई थी, तो मैंने सोचा इनके साथ भी मतलब कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि बच्चों से जब बोल देते हैं तो फिर बच्चे नाराज़ हो जाते हैं ना। दर्शिका तू नाराज़ हो जाती ना अगर मैं नहीं आती, तो फिर अभी मैं इनको उधर भी बुला लेती, लेकिन स्नेहा को फीवर है और स्नेहिल की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लूज मोशन हो रहा है, तो फिर वो मानेंगे नहीं, वो खाएंगे ज़रूर केक, और कल तो उन्होंने खा ही लिया था, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इधर आके सेलिब्रेशन कर लेती हूँ। तो अभी फ़ोन आ रहा है, मम्मी का फ़ोन देखे यहाँ, तो इसीलिए मैं इधर आ गई। और केक क्योंकि हम पहले खरीद चुके थे और इसके डैडी की तबीयत ख़राब थी तो लूज मोशन हो रहे थे उनको, तो उन्होंने मना कर दिया था कि कहीं भी नहीं जाएंगे एनिवर्सरी पर, तो इसीलिए हमने क्या किया, केक ले लिया था, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा केक तो ले ही लिया फिर क्या करें अब इस केक का, तो फिर बस यही आइडिया आया मन में कि चलो दर्शिका के साथ केक कट कर लेंगे, और अभी बच्चे भी खुश हो जाएंगे, और ये तो बहाना है कि मतलब वैलेंटाइन डे ऐसे करके, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये सिर्फ यही था कि बच्चों के साथ सेलिब्रेशन हो जाएगा हमारा। तो चलिए सही, ये प्लाजो दोनों के सेम है देखो, हल्की सी एम्ब्रॉयडरी है मेरे में। ये कह रही हूँ ये मेरा 3 साल पुराना है, और जबकि बिल्कुल नया लग रहा है। देखो हाँ, ते तूने कितनी बार पहन लिया? हाँ कार किसने दी, जल्दी बताओ किसने दी आपको, किसने दी है? थैंक यू तो बोला ही नहीं मुझे बाबू, थैंक यू तो बोला ही नहीं, थैंक यू बोलो बाबू, थैंक यू बोलो, ताई जी फिर रोल लाएगी। अब मैं तो कल लेके जाने वाली थी बेबी को, मैं तो कल लेके जाने वाली थी, लेकिन वहाँ सर्दी बहुत थी बेटा, बीमार हो जाते इसलिए नहीं लेके गई। कैसी चल रही है आपकी कार? हाँ सुंदर लग रहा है बहुत, कोई नहीं कह सकता, वैसे हम पहन ले तो गोल्ड ही बताएगा, डायमंड है, डायमंड का है, देवरा नहीं, देवरानी को जेठानी ने दिया डायमंड सेट वैलेंटाइन डे पे, है ना? मैंने तो दिया भी नहीं लेके, मम्मी तुम्हारा पता है तेरे को, तेरी मम्मी का लाई हूँ मैं तो नहीं लाई, ये दो है इसमें से चूज कर ले, नहीं मैं खरीद के लाई थी कल, शॉपिंग ब्लॉग देखियो इसमें मतलब पसंद कर ले जो तुझे पसंद हो, एक मेरा ही तेरा। मैं यूं कह रही हूं, हां उस दिन लड़का बना दी ना तो आप मेरे, हां मंगलसूत्र लाई हो आर्टिफिशियल, मोंटी भैया तो देने के लिए तुझे जैसा पसंद है। तो यहाँ पर ना ट्राई, और देखो ये वाला जो मैंने पहना हुआ है सरोजनी से लाई थी मैं, इसके ऐसी सेम इयर रिंग्स है, और ये वाली रिंग लाई थी देख 50 रुपए की,
तो ये शॉपिंग ब्लॉग आएगा, आप देखना जरूर। मेरी एनिवर्सरी ब्लॉग में मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, बट अभी आज एडिट नहीं हुआ तो इसलिए नहीं डाल पाई, और कल को आएगा वो ब्लॉग, देखना जरूर। और अभी ट्राई किए जा रहे हैं यहाँ पर मंगलसूत्र, इसने मेरे से बोला भी था कि कभी मैं पहनती हूँ ना आपको मेरे जैसे मिले तो मेरे लिए ले आना, तो मुझे अच्छे लगे, मैंने सोचा वैलेंटाइन डे भी है, गिफ्ट भी हो जाएगा, और ऐसा ना पसंद का कभी कभी मिलता है, तो मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे, तो मैं दो लाई हूँ, एक मेरा है किसका है, अभी देखते हैं कौन सा पसंद आता है। तो अभी हम आ गए और ये कह रही है मेरे लिए लाई हो, मैंने ये खरीदे अभी ब्लॉग डलानी है, पता क्या हुआ टाइम ही नहीं मिला, तो जो एनिवर्सरी का ब्लॉग है वो कल आएगा, क्योंकि एडिटिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो आज सोच रहे हैं कि मतलब टाइम खाली था तो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते, तो ये मैं दो खरीद के लाई थी उस वाले ब्लॉग में देखना, और इसने मेरे से बोला हुआ था कि अच्छे लगे तो ले लेना मेरे लिए, बोला था ना तुमने, याद करा, तो देख ले दोनों में से जो पसंद हो, दोनों ही सुंदर है, तो अभी पता नहीं कौन सा पसंद आएगा, दिखाती हूँ। सो गाइस अभी ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलेंगे आपसे कल। मैं कह रही हूँ कि गाइस करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग, पूजा सीख गई है सब कुछ है ना, ओए होए इसकी गाड़ी। सो मैं आ गई घर, और यहाँ पर तैयारी की जा रही है खाने की, तो घिया बना रही हूँ, फिर बनाना है खाना, और हो गई है शाम। ये देखो ये क्या कर रहे हैं, पुराना कैप उतर गया, इस कैप को नहीं फेंकेंगे, ये सच में कह रही हूँ, ये कैप कम से कम 7 साल पुराना है, छुपाया 7 साल पुरानी कैप है भाई, इसका पीछा नहीं छोड़ते ये, मैं कहती हूँ हर बार इसको मैं फेंक दूंगी, इतनी पुरानी खिंच चुकी है, पर इनकी फेवरेट है। तो अभी बना लेते हैं सब्जी गाइस, मिलते हैं आपसे कल, बाय 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 बाय।